थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर रहे हैं रक्षा मंत्री के साथ। राजनाथ सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत कठिन समय है, पूरी दुनिया हम कहते हैं कि एक दुश्मन से लड़ रही है, कोरोना से, और हमारा देश कोरोना से भी लड़ता है, आतंकवाद से भी लड़ रहा है और LAC पर भी परिस्थितियों से लड़ रहा है। पिछले एक साल की सबसे कठिन चुनौती देख रहे हैं इस समय को आप? निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जो पिछला हम लोगों का 6 वर्ष गुजरा है, सबसे अधिक चुनौती यदि है तो इस वर्ष में इस चुनौती का हमको सामना करना पड़ा है। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस समय भारत का नेतृत्व जिस व्यक्ति के हाथों में है, जो यानी जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनके अंदर वह सूझबूझ है, उनके अंदर वह दृढ़ता है कि हर चुनौतियों पर वह विजय प्राप्त करने में पूरी तरह से कामयाब होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चाहे कोरोना का प्रश्न रहा हो, आपने देखा होगा कितनी सूझबूझ के साथ और साथ ही साथ दृढ़ता के साथ उन्होंने महत्वपूर्ण फैसले किए, नहीं तो आज भारत की क्या स्थिति होती है? आज भारत दुनिया के जितने देश हैं कोरोना से प्रभावित, उनमें 9वें-10वें स्थान पर है, और अमेरिका की हालत आज देखिए। मैं समझता हूं कि यदि प्रधानमंत्री ने सूझबूझ का परिचय न दिया होता तो भारत की स्थिति भी काफी बदतर हो जाती कोरोना के मामले में। मैं कोरोना के पूरे मुद्दे पर थोड़ा सा आगे चर्चा करूंगी, लेकिन चूंकि रक्षा मंत्री भी हमने पहली बार देखा ऐसा, जो सियाचिन भी गया हो, फाइटर प्लेन भी जिसने उड़ाया हो, जिसने वॉरशिप पर बैठकर गोलियां भी चलाई हो, और ऐसा लग रहा है जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के तौर पर सेना के हर अंग में उतनी ही दिलचस्पी रख के, उतना ही ध्यान देकर उसका ख्याल रख रहे हैं। एक साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप किस चीज को मान रहे हैं अपनी? रक्षा मंत्रालय की दृष्टि से उपलब्धि कहूं, देखिए एक तो तीनों हमारी जो सर्विसेज हैं, यानी वायुसेना और हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों के बीच ज्वाइंटमेंटशिप लाने का है। यह प्रयास लगभग 15-20 वर्षों से चल रहा था, लेकिन वह काम नहीं हो पाया, यानी CDS बनाने का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसी एक वर्ष के अंदर ही, माने एक वर्ष पूरा भी नहीं हुआ कि 4-6 महीने के अंदर ही इस CDS को बनाने का काम हम लोगों ने पूरा कर दिया। 2014 में जब से यह गवर्नमेंट आई है मोदी जी के नेतृत्व में, तब से स्वदेशीकरण पर हम लोगों ने विशेष दिया है, मेक इन इंडिया पर हमारा विशेष बल हमारी सरकार ने दिया है। अब जैसे कि पहले जो डिफेंस आइटम्स थे, डिफेंस इक्विपमेंट थे, वेपन्स थे, ज्यादातर दुनिया के दूसरे देशों से हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन हमारी सरकार ने यह फैसला किया कि हमारा यह भारत अब इंपोर्ट करने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि भारत को डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस वेपन्स एक्सपोर्ट करने वाला देश बनना चाहिए। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, भारत केवल एक इंपोर्टिंग कंट्री के रूप में ही नहीं जाना जाएगा, बल्कि एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में जाना जाएगा। क्या उसकी शुरुआत हमने कर दी है? एक मेक इन इंडिया होता है और उसके साथ एक मेड इन इंडिया होता है। मेड इन इंडिया, तो हम दोनों पर हमारा बल है। हम टेक्नोलॉजी भी बाहर से लेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन यहां पर भी उस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके उसको इंडिजनाइज करने की भी हम कोशिश करेंगे। यह सब सारे जैसे रफेल के मामले में हमने देखा कि हमने तकनीक भी खरीदी, हाँ हाँ बिल्कुल, ताकि हम यहाँ पर आगे उसे विकसित कर सके। लेकिन राजनाथ जी, क्या रफेल की डिलीवरी में वाकई देरी चल रही है? नहीं, यह डिलीवरी तो एक्चुअली मई के अंत तक हो जानी थी जी, लेकिन अब कोरोना से फ्रांस भी प्रभावित है, बट नेचुरल है कि कुछ ऐसे कारण थे जिन कारणों से विलंब हुआ था, और हमारा भी यहाँ पर अम्बाला में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए था उसके लिए, उसमें भी थोड़ा सा समय लग रहा था। मैं समझता हूं कि जुलाई के अंत तक रफेल भारत की धरती पर होगा। और तेजस का भी एक दूसरा स्क्वाड्रन ऑपरेशनलाइज कर लिया गया है, उसको ऑफिशियलाइज कर लिया गया है, हमारे एयर चीफ ने स्वयं ही उसको फ्लाई किया, यानी स्वदेशी जो मेड इन इंडिया रहा और मेक इन इंडिया का आप कह रहे हैं कि एक संतुलन देखने की कोशिश की जा रही है। यही हमारा प्रयास है। अब मैं उस मुद्दे की तरफ आना चाहूंगी जो आजकल सुर्खियों में है। भारत एक परिपक्व देश की तरह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस पूरे मुद्दे को डील कर रहा है, वो सारी खबरें आती भी हैं। मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत स्तर पर, चीन जैसे पड़ोसी देश के साथ हम बहुत स्तर पर डील करेंगे, लेकिन एक रक्षा मंत्री के तौर पर आप LAC की मौजूदा स्थिति को कैसे कहेंगे और देश को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? मैं देश को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरी तरह से देश को आश्वस्त रहना चाहिए कि हम किसी भी सूरत में
भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। वैसे भारत की बहुत ही स्पष्ट नीति रही है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर चलें, और यह प्रयत्न हमारा आज से नहीं, पहले से ही बराबर भारत ये करता रहा है। लेकिन कभी कभी चीन के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां ये पैदा हो जाती हैं, और इसके पहले भी पैदा हुई है, और हाल फिलहाल में इस मई के महीने में भी वहां पर एलएसी के ऊपर, जैसा आपने कहा कि ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं, लेकिन इसको सुलझाने की कोशिश जारी है। आपने चाइना के भी प्रेसिडेंट का भी स्टेटमेंट देखा होगा, पढ़ा होगा समाचार पत्रों में और चैनल्स पर भी आपने देखा होगा उसे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम डिप्लोमेटिक डायलॉग के द्वारा हम इस मामले को रिजॉल्व करना चाहते हैं। भारत की भी यही कोशिश है कि तनाव किसी भी सूरत में न बढ़े, बल्कि मिलिट्री लेवल पर यदि बातचीत करनी है तो मिलिट्री लेवल पर बातचीत करके, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करनी है तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करके उस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। और इस समय मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर इस समय चाइना के साथ बातचीत चल रही है, क्योंकि वास्तविक नियंत्रण, स्वयं चाइना ने भी इच्छा व्यक्त की है जी इस मामले को सुलझाने की, यानी मध्यस्थता का कोई स्कोप नहीं है जो अमेरिका की तरफ से कहा जाता है, मध्यस्थता का कोई स्कोप कल नहीं। कल हमारी जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के होते हैं, यानी कि सेक्रेटरी डिफेंस बोला जाता है, उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई थी। मैंने उनको ये बताया कि भारत में स्वयं इस प्रकार का एक मैकेनिज्म हम लोगों ने पहले से ही डेवलप कर रखा है कि यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भारत और चाइना के बीच खड़ी होती है तो उसे मिलिट्री डायलॉग और डिप्लोमेटिक डायलॉग के द्वारा हम उसको रिजॉल्व करते हैं। यह बात कल मैंने सेक्रेटरी डिफेंस जो यूएस के हैं उनको भी मैंने कहा है, और वह मैकेनिज्म है हमारा, उस आधार पर बातचीत चल रही है। क्योंकि चीन के साथ जो हमारी सीमा रही है ये तो हमेशा से एक विवाद का कारण रहा है, और वो परसेप्शन की बात आ जाती है इस वजह से, परसेप्शनल डिफरेंसेस रहे हैं भारत चीन की सीमा को लेकर, परसेप्शनल डिफरेंसेस तो रहे हैं, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन आज कोई हमें आम ट्विस्ट नहीं कर सकता है 1962 की तरह, कोई प्रश्न ही नहीं, इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। देखिए, एक तो देश के पास एक सशक्त नेतृत्व भी है, सक्षम नेतृत्व भी है, देश का मस्तक कभी झुकने नहीं देंगे, यह भरोसा तो देश की जनता को है। मैं समझता हूं देश की जनता को मुझे आश्वस्त करने की जरूरत नहीं है, देश की जनता को यह भरोसा है। राजनाथ जी, बहुत सारे लोगों को उन रिपोर्ट से भी बड़ा डर लगा कि बड़े अंदर तक घुस आए हैं चीनी सैनिक, ऐसा है या सब मतलब पूरी स्थिति हमारे नियंत्रण में है? देखिए, चाइना का बहुत पहले से यह मानना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। हाँ, कुछ स्थानों पर तो वो स्वीकार करते हैं, कुछ स्थानों पर मानते हैं कि वे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यह जो है वह लाइन नहीं है जो कि भारत और चाइना को जो विभाजित करती हो जी। तो उनका क्लेम है कि आगे तक है, और हम लोगों की भी कुछ स्थानों पर इसी प्रकार की एक धारणा है। तो हमारी पेट्रोलिंग कभी एलएसी तक होती है, कभी उनके लोग भी एलएसी क्रॉस करके इधर आ जाते हैं, यह सिलसिला पहले भी चलता रहा है, मैंने ऐसा नहीं कि यह पहली बार हुआ, लेकिन बातचीत के द्वारा समय समय पर इसे भारत भी रिजॉल्व करता रहा है और चाइना भी रिजॉल्व करता रहा है। डोकलाम की जो कुछ भी हालात पैदा हुए थे 2017 में ही आपने देखा, लगा कि एक टेंशन बहुत ही बढ़ गया है, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, हम लोग पीछे नहीं हटे, लेकिन अल्टीमेटली उस मामले को हम लोगों ने रिजॉल्व करने में कामयाबी हासिल की। यहाँ पर डटे रहेंगे अपनी जगह पर, डटे रहेंगे राजा जी जिस तरह से रहेंगे, लेकिन अभी मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग किसी भी देश को आंख दिखाना नहीं चाहते, हम किसी के अंदर भय नहीं पैदा करना चाहते, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, हमारी कोशिश यही है। नेपाल से भी डिफरेंसेस ऐसे ही रिजॉल्व हो जाएंगे? नेपाल के भी जो भी लिपु लेख को लेकर जो थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है, मैं समझता हूँ कि बातचीत के द्वारा ही हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे, उनसे तो रिश्ते रिश्ता माना जाता है, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदार क्या, बिल्कुल पारिवारिक मानते रहे नेपाल, भारत नेपाल तो पारिवारिक है, भाई की तरह है, तो वो नियंत्रण है, नियंत्रण है पूरी तरह से, कहीं पर कोई बातचीत, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हम मिल बैठ कर बातचीत करके उसका समाधान निकालेंगे। पिछले एक साल में जो सबसे बड़ी चीज, जब तक कोरोना तो चलिए एक बीमारी के तौर पर हम देख रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था वो था कि आप लोगों ने धारा 370 को हटा दिया। कितनी धमकियां मिली थी कि अगर हाथ भी लगाया गया तो क्या से क्या हो जाएगा, लेकिन कश्मीर उसके बाद जला नहीं, शांत रहा। लेकिन आपको लगता है कि धारा 370 हटने के बाद अगर कुछ दिल आहत भी हुए थे वहां पर, मैं स्थानीय लोगों की बात कर रही हूँ, राजनीति के लिए उनसे
जुड़ गया है कनेक्शन, वापस तार जुड़ गए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे धारा 370 का प्रश्न हो, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रश्न हो, चाहे एनआरसी का प्रश्न हो, इन सब सारे मुद्दों की चर्चा हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी की थी। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि चुनावी घोषणा पत्र में वही चीजें शामिल की जानी चाहिए जिन पर कि हम सरकार बनने के बाद अमल कर सकें, जिन्हें हम पूरा कर सकें, वही वादे करने चाहिए। आपने देखा होगा कि इस बीच जो भी हम वादे चुनावी घोषणा पत्र में हम लोगों ने किए थे, सारे वादों को पूरा किया है, क्योंकि उसी के आधार पर ही हमने जन समर्थन हासिल किया है। भारत की राजनीति में नेताओं की वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन दोनों में अंतर होने के कारण जो एक विश्वास का संकट पैदा हुआ, उस विश्वास के संकट को भी हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में उस चुनौती को स्वीकार किया। हम भारत की राजनीति से उस विश्वास के संकट को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए जो कहा है वह सारी चीजें हमने पूरी की है। अब जहां तक जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट का प्रश्न है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार पूरी तरह से कमिटेड है कि जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट तेजी के साथ होगा। अभी कुछ वैसे कभी भी इसके पहले भी जो 2014 से लेकर 2019 तक का जो कार्यकाल हम लोगों का रहा है, उसमें भी जम्मू कश्मीर के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। मैक्सिमम फंडिंग डेवलपमेंट के लिए यदि किसी स्टेट को हम लोगों ने की है तो जम्मू कश्मीर के लिए ही की है। नहीं, पर क्या जमीन पर लोग इस बात पर यकीन कर रहे हैं? आप चूंकि संवाद भी करते रहते हैं, आप देखिए बहुत बहुत सारे लोग यकीन भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें थी जो गलतफहमी पैदा करने की बराबर उनकी द्वारा कोशिश की जाती रही है। बहुत सारे वहां पर युवा हैं जो राजनीति में आए हैं नया नया, क्योंकि वहां का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे कश्मीर के, कश्मीर का डेवलपमेंट तेजी के साथ होगा। पाकिस्तान को डर लग जाता है कि हालात आप बदलेंगे तो कहीं पीओके तक, और कश्मीर भविष्य में फिर से भारत का ही नहीं बल्कि विश्व के आकर्षण का एक केंद्र बनेगा। नहीं, सिर्फ जितना अभी हिस्सा यहाँ पर हम देख रहे हैं या जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है वहां भी? पीओके का ज्यादा प्रश्न है, वो हमारी संसद ने भी उस संबंध में प्रस्ताव पारित किया है कि पीओके तो ये भारत का हिस्सा है जी, मौसम तक बताना शुरू किया है, ये तो मानते ही हैं हम लोग। पर क्या ये संभव है राजनाथ जी, क्यों इतने सालों से प्रयास हुआ, जिस तरह से पाकिस्तान वहां पर जाकर काबिज हो गया, यूनाइटेड नेशंस तक को बुला लिया गया उस समय, उसके बाद न जाने कितने समझौते हो गए, लेकिन पीओके क्या वाकई संभव है कि एक बार पूरे उस मुकम्मल नक्शे को हम देखेंगे जो बचपन से पढ़ते हैं? भारत तो यही मानता है कि पीओके यह भारत का ही हिस्सा है, और हो भी सकता है आपको किसी संभावना को, आप कह रहे सारे वादे पूरे हो गए, कुछ नए वादे जुड़ जाएंगे, किसी संभावना को नकारा नहीं जा सकता, कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारत तो मानता है कि पीओके हमारा है। अभी कुछ दिनों पहले वहां पर एक गाड़ी बरामद हुई जिसमें लगभग 45 किलो एक्सप्लोसिव्स रखे हुए थे, और लगा जैसे बहुत राहत की सांस लोगों ने ली कि पता नहीं पिछले साल पुलवामा। मैं समझता हूं कि ये जो गाड़ी बरामद हुई है बहुत बड़ी कामयाबी हमारी सेना की और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस की और जम्मू कश्मीर पुलिस की और इंटेलिजेंस की, ये कामयाबी रही है, और इस बात का ये प्रमाण है कि इन फोर्सेस के बीच जिस प्रकार का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, इस समय आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस, कार्यकाल से जब गृहमंत्री के तौर पर आपके कार्यकाल के दौरान इसकी शुरुआत हुई, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन बहुत ही बेहतर रहा। आप किसी से भी आर्मी पर्सनल से बात करेंगे अथवा सीआरपीएफ के अथवा जम्मू कश्मीर पुलिस अथवा इंटेलिजेंस के किसी भी अधिकारी से बात करेंगे, सभी सच्चाई को स्वीकार करेंगे, बेस्ट कोऑर्डिनेशन इस समय। अच्छा, हमने बहुत सारे देश जहां पर तनाव था, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति थी, कोरोना के समय सबने छोड़ दिया, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं रुका, गोलीबारी वहां से चलती रहती है पाकिस्तान की तरफ से। अब पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी लगता है कि शायद भारत का विरोध करते रहना, इसी पर वहां की सरकार का अस्तित्व ही टिका रहता है या क्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जितना गोलीबारी करनी हो गोलीबारी करें, लेकिन आपने देखा है कि इसके पहले भी उसका जवाब किस तरीके से दिया है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो अथवा एयर स्ट्राइक हो, यह भी करने के लिए बाध्य तो पाकिस्तान ने ही भारत को किया था, नहीं तो यह नौबत ही ना आती। एक तरह से हम देखते हैं कि जब भी पहले हम ऑप्शंस की बात करते थे कि क्या क्या भारत कर सकता है, अब एक तरह से नीति में शामिल हो गया है, इसलिए हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से और खासकर उनके प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार ये चीजें आ रही थी कि एक फॉल्स फ्लैग अटैक को फ्लैग करेगा भारत, गलत झूठा अटैक दिखाने की कोशिश करेगा, तो उसके मन में हमेशा ये खौफ बैठ गया है
कि अगर कुछ किया तो फिर कोई स्ट्राइक ना हो जाए। अब क्या है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही सर्जिकल स्ट्राइक रही हो तो एयर स्ट्राइक, दोनों बहुत ही सक्सेसफुल रही हैं। अब उसके कारण कितना खौफ है नहीं है ये तो पाकिस्तान ही बतला सकता है, पाकिस्तान के लोग ही बतला सकते हैं, मैं नहीं बतला सकता। पर एक चीज जो ठीक नहीं लगी राजनाथ जी, वो ये था कि पाकिस्तान में वहां के फॉरेन ऑफिस ने कह दिया कि जो राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है वो नहीं होना चाहिए, और उसमें वो एक मुसलमानों को भड़काने की लाइनों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या एक दूसरे देश का इस तरीके से हमारे घरेलू मामले में बोलना सही है? इस प्रकार की गलत हरकत नहीं करनी चाहिए। और आज मैंने पहली बार ऐसा किया हो पाकिस्तान ने यहाँ के माइनॉरिटीज को भड़काने की कोशिश, इसके नहीं पहले भी किया है, लेकिन जहाँ तक भारत के माइनॉरिटीज का प्रश्न है, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो सभी भारतीय हैं। और आपने देखा कि सीमाओं पर जब संघर्ष होता है तो इस देश का हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सभी एक साथ खड़े होते हैं, एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। उस समय सब हिंदुस्तानी रहते हैं, सभी हिंदुस्तानी फौजें हो, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, सब में। पर आपने एक और चीज शुरू की राजनाथ जी, जो कि 2014 के बाद से जिसमें तेजी आई कि बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसकी वजह से कुछ चीन को भी बुरा लगता है, और लेकिन उस कनेक्टिविटी को अभी हम कितना कंप्लीट माने? पिछले साल भी आपने अक्टूबर में उद्घाटन किया था दौलत पे गोल्डी तक की सड़क को। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बॉर्डर पर तो करने का सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ किया है, थोड़ा उस काम को तेज भी किया है, क्योंकि हमारे जो सेना के जवान होते हैं उनको पेट्रोलिंग के लिए जाना पड़ता है, असुविधाएं होती हैं, तो वो सब सारी असुविधाएं ना हों, और वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, कुछ छोटी छोटी जो बस्तियाँ हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उनकी सुविधा को ध्यान में रखकर भी इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जाते हैं। लेकिन किसी देश की सीमा पर अतिक्रमण करना ये हमारा उद्देश्य नहीं है, इस काम को हम नहीं करेंगे। पर हम अपनी लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल है वो चलता रहेगा जी, उसको रुकने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि जो भी कर रहे हैं भारत की सीमा में कर रहे हैं, इस पर किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। अरे कहीं पर किसी को आपत्ति है तो मिल बैठकर बातचीत करेंगे, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत करेंगे, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बैठकर बातचीत करेंगे, उसे रिजॉल्व करेंगे। मैं अब कोरोना के मुद्दे पर आना चाहती हूँ, चूंकि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थी उसे आपने चेयर भी किया था। आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आज अगर हम देखते हैं कि 1.5 लाख के आंकड़े को भी पार कर गया, कितनी चिंता करनी चाहिए लोगों की, या हम समझें कि एक नेचुरल फ्लो में ये दौर आना ही है, इसका ऐसे ही बढ़ेंगे आंकड़े? मैं समझता हूँ कि चिंता कम करने की जरूरत है, सावधानी ज्यादा बरतने की जरूरत है, और एक दृढ़ संकल्प के साथ इस कोरोना की चुनौती को स्वीकार करने की जरूरत है, जिसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है, हमारे पूरे देश ने स्वीकार किया है। पर विपक्ष ने कहा है, और मैं आश्वस्त हूँ कि इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे। विपक्ष ने आपकी लॉकडाउन की रणनीति की आलोचना की, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, सबने कहा कि जब कोरोना के मामले कम थे इतना तगड़ा आपने लॉकडाउन लगाया, अब जब धीरे धीरे वो मामले बढ़ रहे हैं ज्यादा, तब आप लॉकडाउन में ढिलाई। शायद उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि यदि लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री ने समय के साथ न की होती तो आज पता नहीं भारत की स्थिति कितनी बदतर हो गई होती। दुनिया के कई डेवलप्ड कंट्रीज की हालात देखिए कोरोना के मामले में कैसे हैं इस समय, शायद वैसी ही स्थिति भारत की हो गई होती। और मॉर्टेलिटी रेट का जहां तक प्रश्न है, मॉर्टेलिटी रेट भारत की का सबसे कम है, क्या हमने वो तैयारियां भी कर ली? और साथ ही साथ यदि कोरोना का कोई यदि शिकार यदि होता भी है तो या कोरोना से यदि कोई प्रभावित होता भी है तो ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी मैं समझता हूँ अप्रॉक्सिमेटली 50% के आसपास है। पर प्रवासी मजदूरों का मामला, क्या आप मानते हैं कि सरकार ने सही से हैंडल नहीं किया कि इतने प्रवासी, इतने मजदूर वापस जाना चाहेंगे, उनके लिए समय से तैयारी नहीं की गई? नहीं, जहां तक प्रवासी मजदूरों के संबंध में हमारी सरकार को जो फैसले करने थे वो सब उचित फैसले किए थे। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन की घोषणा करते समय ही हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिन औद्योगिक इकाइयों में ये हमारे मजदूर भाई काम कर रहे हैं अथवा कोई भी काम कर रहा है, तो लॉकडाउन के दौरान भले ही वो औद्योगिक इकाई बंद हो, उनके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जानी चाहिए, यदि जो सुविधाएं पहले मिल रही थी वो सारी सुविधाएं देनी चाहिए। यह सब सारा प्रिकॉशन तो हमारी सरकार ने पहले ही ले लिया था, लेकिन लॉकडाउन परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि लॉकडाउन आगे बढ़ाना पड़ा। अब उसके बाद धीरे धीरे
अब ऐसे हालात पैदा हुए कि जितने भी हमारे प्रवासी मजदूर भाई थे सब अपने अपने घरों को वापस जाना चाहते थे। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं, लगभग 3,900 के आसपास इस ट्रेनें चली हैं और 50-60 लाख लोग अपने अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गंतव्य तक पहुंचे हैं। पर जमीन से जुड़े एक नेता के तौर पर आपका दिल कितना आहत होता है जब आप देखते हैं कि ऐसे गठरी सर पर लिए पैदल या फिर किसी तरह से? कई कई जो हालात जिस तरीके से प्रारंभ में लोग आगे बढ़े थे हमारे प्रवासी मजदूर अपने घरों तक जाने के लिए पैदल, तो किसी को भी तकलीफ हुई, प्रधानमंत्री जी को भी तकलीफ हुई, सबको तकलीफ हुई, स्वाभाविक है। राहुल गांधी ने यह सुझाव दिया था कि उनको कैश इन हैंड देना बेहतर है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखने की जगह, क्या ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती थी? क्योंकि आप अभी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, देखिए कैश देने का जहां तक सवाल है, आपने देखा होगा किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपया प्रतिवर्ष देने का फैसला प्रधानमंत्री ने किया और इस काम को शुरू भी कर दिया। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो अकाउंट्स खुले हैं, तो समाज का शायद ही कोई ऐसा वर्ग बचा होगा, बड़े गरीबों में मैं बात कर रहा हूँ, किसानों में, गरीबों में, मजदूरों में, जिसको किसी न किसी प्रकार की आर्थिक सहायता उसके माध्यम से न मिली हो। यहां तक दिव्यांगों और विकलांगों के लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने उनके अकाउंट में पैसे डाले हैं। हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके खाते में भी हमारी गवर्नमेंट ने, मैंने अब तक 1500 रुपये उनके खाते में डाले हैं। इस काम को तो कर ही रहे हैं, समाज के सभी वर्गों की चिंता हमारी ये गवर्नमेंट कर रही है। और मैं समझता हूं कि ऐसी संकट की घड़ी में किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, सारी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए साथ खड़े होना चाहिए। पर अभी की परिस्थितियों को देखकर लग रहा है कि और लॉकडाउन की आवश्यकता होगी देश को? वैसे कुछ राज्यों का यह कहना है कि लॉकडाउन आगे एक्सटेंड किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि अब इसके संबंध में आज या कल तक जानकारी प्राप्त हो जाएगी लोगों की। प्रधानमंत्री जी ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ भी बैठक की है और हमारे गृह मंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात करके उनके सुझाव भी लिए हैं और बैठकर इसका फैसला करेंगे, तो 1-2 दिन के अंदर ही उसकी घोषणा हो जाएगी। क्या करना, लगभग जो कुछ भी करेंगे सभी राज्यों को विश्वास में लेकर करेंगे, इतना मैं कहना चाहूंगा। जैसा लॉकडाउन 4 के बाद आप लोगों ने तय कर लिया कि जो राज्य हो उनको ज्यादा अधिकार, लॉकडाउन 4 की भी घोषणा करने के पहले एक बार मुख्यमंत्रियों के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने परामर्श किया था, हम लोग मौजूद थे उसमें। पर क्या इस बात को ये जो विपक्ष जो क्रिटिसाइज करता है कि आपने लॉकडाउन का फैसला हड़बड़ी में लिया, सोचा समझा फैसला नहीं था, इस बात को स्वीकारते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं स्वीकारते। लॉकडाउन का फैसला जो लिया उचित समय पर लिया, साहसिक फैसला उस समय लिया, हमने प्रतीक्षा नहीं की जब कोरोना पेशेंट यहां पर बढ़ जाए भारत में तब उसके बाद हम लॉकडाउन की घोषणा करेंगे, इसकी प्रतीक्षा नहीं की। ये लगा कि गंभीर परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, निर्णय कर लिया। जितनी लंबी राजनीति आपने देखी है, जो जीवन देखा है, उसमें ऐसा कोरोना जैसा संकट तो कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा और इसकी कल्पना भी कभी नहीं। ये तो इत्तेफाक है कि इस समय भारत में कोई चुनाव नहीं थे होने, लेकिन अब क्या आने वाले दिनों में आप ये भी देख रहे हैं कि शायद चुनाव लड़ने का तरीका, चुनाव मतलब वोटिंग करने का तरीका, प्रचार का तरीका, राजनीति का तरीका भी बदल जाएगा, क्योंकि अब तो बिहार, बंगाल सबके चुनाव आने हैं? आगे की बात का प्रश्न जहां तक है, मैं कह सकता हूं कि लोगों के व्यवहार में भी बहुत सारा परिवर्तन करना पड़ेगा। हाँ। लोगों से किस तरीके से मिलना जुलना, किस तरीके से बातचीत करना, कितनी डिस्टेंसिंग रखना, क्योंकि राजनाथ जी अभी अगर कोरोना नहीं होता तो बिहार चुनाव का अनऑफिशियल प्रचार तो आप लोग शुरू कर चुके होते। पब्लिक मीटिंग्स करना संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अब यह सब निर्भर करेगा, आगे जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा किया जाएगा। लेकिन चुनौती को स्वीकार किया है तो किया है। अभी जो हम अलग अलग राज्यों की हैंडलिंग को देख रहे हैं, आपको जैसे महाराष्ट्र हम देखते हैं, महाराष्ट्र में आंकड़े इतने बढ़ गए हैं, क्या आप वहां की सरकारों की हैंडलिंग को उसका जिम्मेदार मान रहे हैं या फिर आज की परिस्थिति में? मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता जी, और किसी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं ठहराना चाहता। कहीं पर भी यदि यह संकट यदि बढ़ा है तो मैं समझता हूं कि सभी को उसमें सहयोग करना चाहिए, किसी की आलोचना ऐसे समय नहीं करनी चाहिए जी। कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि हमारे राज्य में कोरोना पेशेंट्स बढ़ जाए। लेकिन आप समन्वय देख रहे हैं आप राज्यों से, क्योंकि बीच में कुछ टकराव की, जैसे ममता बनर्जी थोड़ी नाराज हो गई,
जहां तक केंद्र का प्रश्न है, सभी राज्यों के साथ हमारा समन्वय बहुत ही अच्छा है। और आपने देखा कि भी अम्फन या साइक्लोन जब आया था तो प्रधानमंत्री जी चटपट जो है पश्चिम बंगाल पहुंचे, वहां पर वहां के मुख्यमंत्री ममता जी भी मौजूद थे और उन्होंने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। जी जी, मैं एक बार फिर आपके मंत्रालय की तरफ ही आना चाहूंगी कि कोरोना की वजह से बहुत कुछ बदला, क्या सेना के भीतर, मतलब सेना के तीनों अंगों को अगर हम ले लें, वहां पर ट्रेनिंग या उसकी प्रक्रिया कुछ बदलने की आवश्यकता पड़ी कोरोना की वजह से? क्योंकि सेना में बड़ा जरूरी होता है कि आप साथ साथ में एक टीम की तरह कुछ तो प्रिकॉशन लेते हैं पहले, जैसे कभी कोई गैदरिंग होती है, कभी होता है, थोड़ा सा डिस्टेंसिंग वगैरह, मास्क का यूज, यह सब सारा तो बढ़ाया है हमारे सेना में भी, बढ़ा है एयरफोर्स में भी, बढ़ा है तीनों विंग्स है हमारे, बढ़ा है। क्योंकि जनरल नरवणे ने भी, अपनी आर्मी चीफ ने कहा था कि अगर देश को जरूरत पड़ेगी और कोरोना का संकट ज्यादा गहराएगा तो हमारी सेना सामने आने के लिए तैयार है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देश में वो नौबत नहीं आएगी, नहीं आएगी नौबत। आपके हिसाब से कंट्रोल हम सही कर रहे हैं, क्या हम पीक की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि हम अब तो मुझे लगता है कि घर घर में डॉक्टर हो गए हैं। क्या होगा भविष्य में, क्या होगा इस संबंध में कुछ दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, सब कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा है। जैसी परिस्थितियां पैदा होंगी और जिस रूप में उसे टैकल करने की जरूरत होगी, हम लोग टैकल करने की कोशिश करेंगे। सभी का सहयोग चाहिए, यह किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि हम अपने देश में एक भी कोरोना पेशेंट कोई नहीं होगा, कोरोना से प्रभावित नहीं होगा, यह कोई दावा नहीं कर सकता। क्या हमें यह सोचते हुए अब आगे चलना है कि ये लोगों की भी जिम्मेदारी हो जाएगी कि आप अपना जो दिन भर का जो दिनचर्या है उसे आप परिवर्तित करें? क्योंकि अगर WHO की वो बात सही है कि ये अब वायरस आ गया है और इस धरती पर रहेगा, तो हम लॉकडाउन में तो हमेशा नहीं रह सकते हैं, तो धीरे धीरे क्या लोगों की जिंदगी भी सामान्य हो सकती है? धीरे धीरे सामान्य होगी, लेकिन दिनचर्या में तो परिवर्तन करना ही होगा, लोगों को अपने शैली में, अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना होगा जी। क्योंकि कोरोना वायरस, जैसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, कि जाने वाला नहीं है, तो रहेगा। रजनी जी, एक साल ये जो बीता है मोदी 2.0 का, और 6 साल जो कुल सरकार के पूरे हो रहे हैं पहले और दूसरे कार्यकाल में, आपने गृह मंत्री के तौर पर भी जिम्मेदारी निभाई, रक्षा मंत्री के तौर पर भी अब जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं, इसीलिए मैं उस CAA की तरफ एक बार कुछ आश्वासन, देखिए उसका जो आंदोलन, जो प्रदर्शन हो रहे थे वो इसीलिए रुके क्योंकि कोरोना की वजह से सबको जाना पड़ा। आपको लग रहा है वो मामला खत्म हो चुका है या अभी उसे डील करना बाकी है? मैं समझता हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर किसी को किसी प्रकार का कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। इसके कारण किसी की भी नागरिकता नहीं जाने वाली है। इसलिए इसको लेकर किसी को परेशान होने का की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से अंत में आखिर तक ये इसीलिए उठा था कोरोना की वजह से, यानी आप लोग अभी तक आश्वस्त कर पाए हैं या अभी आपको वो गुंजाइश लग रही है कि अभी लोगों के मन में वो टीस बैठी हुई? नहीं, काफी हद तक बात लोगों के समझ में आ गई है। पहले जब हम बात करते थे और अब जो बात करते हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब बात धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है। ये अगर जो विरोधी पार्टियां हैं वो अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो लागू हो चुका है, लागू हुए मैं समझता हूँ कि लगभग 5-6 महीने हो गए, लेकिन उसके बाद तो यात्रा ही बंद है, बाकी तो छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है किसी की सिटीजनशिप प्रभावित हुई है उससे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये गलतफहमी कुछ फोर्सेस के द्वारा पैदा करने की कोशिश की गई थी, ऐसी सच्चाई नहीं है। सच्चाई नहीं। बिहार चुनाव अगर अपने समय के हिसाब से होते हैं, आपको लग रहा है वहां पर प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उल्टा पड़ेगा जो गठबंधन सरकार है आपकी उसके लिए? नहीं, मैं तो लगातार स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बराबर प्रवासी मजदूरों की चिंता कर रहे हैं, और उन्होंने आज भी स्टेटमेंट दिया है कि हमारे जितने प्रवासी मजदूर आएंगे हम उनकी पूरी देखभाल करेंगे, उनकी पूरी चिंता करेंगे। कई बार क्वारंटीन कैंप से वहां से वैसी तस्वीरें भी आती हैं, वैसे खाना नहीं मिल रहा है या व्यवस्था नहीं है वहां पर, उस तरह की चीजें जो हो रही हैं। अब देखिए, बड़ी व्यवस्था करने में या कोई दावा नहीं कर सकता कि हमारी बिल्कुल फुल प्रूफ हमारी व्यवस्था होगी, चाक चौबंद पूरी व्यवस्था होगी।
एक बहुत बड़ी जब व्यवस्था करनी है तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां हो सकती हैं, कोई कमियां हो सकती हैं पूरी दुनिया में, लेकिन भारत की लड़ाई को कहां लेकिन इसके कारण किसी के इंटेंशन पर संदेह करना, उसकी नीयत पर संदेह करना, यह मैं समझता हूं कि उस व्यक्ति के साथ न्याय नहीं होगा। पूरी दुनिया में भारत की जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, उसे कहां पर रेट करेंगे आप? क्योंकि शुरुआती दिनों में बहुत WHO ने भी तारीफ की कि देशों को देखना चाहिए भारत कैसे डील कर रहा है, आज भी आप मानते हैं कि भारत उस स्थिति पर? नहीं, बिल्कुल, आज भी भारत की प्रतिष्ठा सारी दुनिया में है इस मामले में कि कोरोना के संकट को जिस तरीके से हैंडल किया है भारत ने, उसकी प्रशंसा है सारी दुनिया में। अब इससे बेहतर तरीके से और क्या हो सकता है, क्या हो सकता था? क्या ये बढ़ते आंकड़े हम आबादी के परिपेक्ष में देखें? देखिए, अभी इस संबंध में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज नहीं है इस मामले में जी, क्यों है, कैसे है, नहीं अभी तो ये कारण कुछ भी हो सकते हैं, कई कारण भी हो सकते हैं, पर भारत की लड़ाई से आप संतुष्ट हैं अभी तक जिस तरह से भारत की लड़ाई, भारत जिस तरीके से कोरोना की चुनौती का सामना कर रहा है उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। जो हमारे कर्मवीरों को सलाम करते हुए हमारी सेनाओं ने भी आसमान में उड़ान भरी, कहीं मिलिट्री बैंड्स बजे, ये चीजें जब आप सुनते हैं, कोई आलोचना करता है कि ऐसी चीजों से कोई कोरोना थोड़ी भागने वाला है, ये सब चीजें, क्या महसूस होता है उसे? जो जिन लोगों ने इस संकट की घड़ी में अपनी जिंदगी को जो है बिल्कुल दांव पर लगाकर लोगों का इलाज करने का एक संकल्प लिया है, मैं समझता हूँ उनकी हौसला अफजाई तो होनी ही चाहिए, उनका स्वागत तो होना ही चाहिए। ये सोच इसकी आलोचना करने का कोई औचित्य नहीं है। ये सेनाओं की तरफ से ऑफर किया गया था राजनाथ जी कि वो कर्मवीरों को सलाम करना चाहते हैं? मैं सभी लोगों ने बैठकर फैसला किया, उन लोगों ने। अच्छा, सीडीएस का जो ये ऑफिस है, जैसे इतने सालों से कोशिश हो रही थी कि जो तीनों सेनाएं हैं उनका एक समान कंट्रोल रहे तो बेहतर कोऑर्डिनेशन रहेगा, और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स भी हमने देखे कि तीनों सेनाओं की टुकड़ियों को एक साथ मिलाकर किस तरीके से हम ज्यादा इफिशियंट हो सकते हैं वहां पर। क्या सीडीएस का ऑफिस आज की तारीख में आपके हिसाब से पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज हो चुका है या अभी हम उसे ज्यादा सिंबॉलिक माने? नहीं, सिंबॉलिक नहीं, इफेक्टिवली इस समय सीडीएस की ऑफिस काम कर रही है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरीके से इफेक्टिव है, पूरा कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से, जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है सीडीएस को, सीडीएस अपनी उस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। राजनाथ जी, क्या स्वदेशीकरण मॉडर्नाइजेशन के रास्ते में अड़ंगा तो नहीं होगा? कभी नहीं, स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक होंगे। जब प्रधानमंत्री ने भी ये अपील की उसी दौरान आपने भी वो घोषणा की कि किस तरीके से भारत आत्मनिर्भर हो सकता है, इसमें हमने पहले देखा कि कई फैक्ट्रीज लग रही थी जो हमारे जवानों को इतने सालों तक जो बंदूकों का इस्तेमाल करना होता था वो आतंकियों से भी कमतर हुआ करती थी, बाकी देशों से तो छोड़ दीजिए। तो आज जिस तरह का प्रोडक्शन यहाँ पर चल रहा है वो क्या हमें भविष्य के लिए तैयार कर रहा है? वो प्रोडक्शन, उससे हमारा जो पूरा काम है वो पूरा हो जाएगा, या फिर जो हम आयातकों में सबसे ज्यादा बड़े इंपोर्टर हैं वेपन्स की? देखिए, आयात पर निर्भरता भारत अपनी समाप्त करना चाहता है जी, डिफेंस में समाप्त हो सकती है, ये हो सकती है, लेकिन इसमें समय नहीं लगेगा, ये कोई दावा नहीं कर सकता कि हम साल, दो साल, चार साल, पांच साल के अंदर ही ये पूरी डिपेंडेंस आयात पर हम समाप्त कर देंगे, यह कोई दावा नहीं कर सकता जी, लेकिन हमारा प्रयत्न यही है और उस दिशा में हम तेजी के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत को अब जितने भी रक्षा उत्पाद हैं अथवा रक्षा से संबंधित जो हथियार हैं उनकी आयात करने की जरूरत न पड़े, बल्कि भारत अपने को इस रूप में डेवलप करे ताकि भारत दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सके जी। लेकिन पहले तो अपना, मतलब आपने एक्सपोर्ट करने का भी टारगेट बना लिया है कि पहले हम अपनी अपने काम के लिए तो बना पाएंगे? अभी हमारी कोशिश यही है और यह काम हम लोगों ने, वो एक्सेलेंट क्वालिटी रहेंगी और वो क्वालिटी बहुत बढ़िया रहेगी, जितना चाहिए उतनी क्वालिटी रहेगी। राजनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। एक साल आपके पूरे हुए हैं लेकिन चुनौतियां आपके सामने अभी कई हैं। सबसे पहले बड़ी चुनौती तो इस समय जो कोरोना का काल है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन जो एजेंडा आज चल रहा है मोदी सरकार के पहले साल पर, मोदी 2.0 के पहले साल पर, वो दिन भर जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। Thank you.
तो सुना आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए। लॉकडाउन पर आज तक से रक्षा मंत्री ने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, तमाम बातें रखी हैं। हमने सही वक्त पर लॉकडाउन का फैसला लिया क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जाते रहे हैं कि लॉकडाउन बिना सोचे समझे कर दिया गया, तैयारियां ठीक से नहीं की गई थी, कोरोना जैसा संकट कभी नहीं देखा। ये राजनाथ सिंह ने इस